साथियों, इज़राइल में दो लेक्स हैं, एक का नाम जो बिल्कुल सी शोर पर है, समुद्र के किनारे हैं, एक का नाम गैलीली लेक है और दूसरे का नाम डेड सी है। जो डेड सी है उसमें पानी जो आता है वो जॉर्डन रिवर से आता है, जो मीठा बहुत मधुर पानी है, अच्छा जल है। और जो गैलीली लेक है, गैलीली सी का जो पार्ट है वहाँ पे, वहाँ भी पानी उसी नदी से आता है जो मीठा, जॉर्डन रिवर जिसको बोलते हैं। लेकिन दोनों में बहुत जमीन आसमान का एक अंतर है। वो ये है कि जो डेड सी है उसका नाम डेड सी इसीलिए भी है कि वहाँ पे कोई भी फिश, कोई भी शैवाल, कोई वेजिटेशन या कोई भी एनिमल नहीं है, कोई भी जंतु उसके अंदर नहीं पनप पाता, क्योंकि बहुत अधिक नमक वहाँ पे है, बहुत नमकीन है, एक्स्ट्रा नमकीन है। जॉर्डन रिवर का जो जल है वो उसके अंदर आता है, और क्योंकि वहाँ से कोई पानी की निकासी नहीं है, पानी का मिक्सिंग नहीं है, तो इसीलिए वो पानी जो उस नदी का वहाँ पे आता है डेड सी में, तो जो नमक वाला भाग है वहीं जमा रह जाता है, और जो पानी है वो वाष्पोत्सर्जन जिसको एवोपरेशन बोलते हैं उससे वो उड़ जाता है, तो वहाँ पे नमक नमक ही रह जाता है। वहाँ से कोई निकासी नहीं है, कोई उसका कोई संबंध किसी अन्य भाग से नहीं है, बहुत उथल पुथल जल में नहीं है, शांत है, परंतु कोई वेजिटेशन नहीं है, इसीलिए उसका नाम डेड सी है। जबकि एक ही नदी जॉर्डन रिवर से उसके अंदर जल आता है। दूसरी जो गैलीली लेक की, गैलीली सी की बात करते हैं हम, ये गैलीली सी यहाँ वेजिटेशन से भरपूर है, जॉर्डन रिवर का उसके अंदर भी पानी आता है, वहाँ भी मीठा जल होता है, वहाँ मीठा जल होता है, मीठा जल उसके अंदर प्रवाहित होता है, और क्योंकि वहाँ पे एक निकासी है उसका मिक्सिंग दूसरे समुद्र के भाग से बना रहता है, तो वो उसके अंदर एक मिक्सिंग उसके अंदर होती रहती है। नमक उसके अंदर नहीं सेडिमेंट हो पाता, नमक वहाँ पे नमक की बहुत अधिक मात्रा नहीं है, साधारण जैसे समुद्र का जल होता है नमकीन, उस तरह का वहाँ पे नमक उसके अंदर है। और मजे की बात यह है कि वही जल का स्रोत जो डेड सी के लिए है जॉर्डन रिवर, वही जल का स्रोत इस गैलीली लेक के लिए, गैलीली सी के लिए भी है। और यहाँ लेकिन इसका डेड सी के विपरीत यहाँ बहुत ब्यूटीफुल शैवाल है, वेजिटेशन बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर मछलियाँ हैं, बहुत अच्छे समुद्री जीव यहाँ पनपते हैं, और यहाँ का वातावरण बहुत प्लीजेंट है, देखने घूमने का दिल करता है, बहुत अच्छी वेजिटेशन लगी हुई है। देखिए, दोनों का स्रोत एक ही है, क्या कि जो जॉर्डन रिवर का मीठा जल दोनों में आता है, और परंतु वो डेड सी है, वहाँ से कोई नमक पानी की कोई निकासी नहीं है, कोई आपस में किसी और दूसरे भाग से समुद्र के कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, समुद्री तल से, भूतल से बहुत नीचा उसका स्थान है, इसलिए वहां से कोई निकासी नहीं है। और ये जो गैलीली लेक से लगभग 3 से 4 गुना बड़ा ये स्थान है, परंतु कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई फिश नहीं है, कोई उसके अंदर जीव जंतु उसके अंदर नहीं पनप पाते। हाँ, विशेष बात एक है, उसके अंदर कुछ लोग जाते हैं और जाके पानी में लेट जाते हैं, तो नीचे जमीन में, नीचे पानी में वो नहीं डूब पाते, फ्लोट करते रहते हैं पानी के अंदर, क्योंकि वहाँ नमक की बहुत अधिक मात्रा है, वो सॉल्टेड वाटर होने के कारण। तो साथियों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारा भी कॉरपोरेशन और कोऑर्डिनेशन, हमारा सहयोग और सामंजस्य रिश्तों के बीच होना चाहिए। होगा तो उसी गैलीली लेक की तरह हमारे संबंध फ्लॉरिश होंगे, मधुर होंगे, अच्छे होंगे, और साथ में एक जो दूसरा इसका विपरीत जो डेड सी है वहाँ पे, वहाँ से नमक
नहीं निकल पाता, वही नमकीन जमा होता रहता है, पानी और नमक सेडिमेंट होता रहता है। इसी तरह से हम कोशिश करें, वहाँ से सीखें, एक सीख लें कि हम अपने ब्रेन में, दिमाग में, अपने मन में नेगेटिविटी ना जमने दें, नेगेटिव एक्सपीरियंस को अब्सॉर्ब ना करें, हम पॉजिटिव अनुभव जीवन के लें और अपने इस मन को फ्लॉरिश बनाएं। इसके अंदर बहुत अच्छी मधुर प्रेम की फिश इसके अंदर फ्लोट करती रहे, रंग बिरंगी हमारी एक अच्छा एक अनुभव जीवन का बना रहे। और यहाँ पे वेजिटेशन इस तरह की डेवलप हो जिसमें कि प्रेम की खुशबू आए, जहाँ से हमारा कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन बने और रिश्तों में संबंध बने और हमारा मन फ्लॉरिश हो, हमारे मन के अंदर अच्छे भाव बने रहें। ऐसा प्रयास करें कि जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं, क्योंकि माइंड इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, अपने आप में बहुत सुंदर बागीचा है मन। इसी के अंदर बहुत अच्छे विचारों के बीच, भावनाओं के बीच यहाँ पे लगा सकते हैं। थैंक यू।